नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रॉनिक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। आज दोस्तों 8 नवंबर दिन के 12:50 हो रहा है, लाइव मार्केट इस टाइम ओपन है। तो एक शेयर के अंदर सुजलॉन के अंदर जो मूवमेंट बन रहा है, मुझे लगता है कि अब इसके अंदर रिजल्ट से पहले ये मूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी जो भी आउटपुट होगा रिजल्ट के आने के बाद, मैं आपको पूरा वीडियो के अंदर एनालाइज करके बताऊंगा। इससे पहले भी मैंने सुजलॉन के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको सुजलॉन का पूरा वर्किंग बताया था। बाप के आपको मोटा मोटा समझाता हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करते हैं ये लोग, ठीक है। नंबर वन सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी का इन इंडिया, ठीक है। तो ये एनर्जी सेक्टर का है, ठीक है। ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी वर्किड है। तो कंपनी के बारे में मैंने भी पहले वीडियो बनाया, उसमें पूरा अपलोड दे रखा है आपको। प्लीज़ वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो सुजलॉन एनर्जी के अंदर जो आज मूवमेंट बन रहा है, वो मूवमेंट इसलिए बन रहा है क्योंकि फ्राइडे को इसका Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं। रिजल्ट से पहले हर कंपनी के शेयर के अंदर मूवमेंट होता है, क्योंकि अब भी लग रहा है लोगों को इसके अंदर प्रॉफिट, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग आएगी, तो डेफिनेटली कंपनी के अंदर और अप ट्रेंड देखने को मिलेंगे। बट उससे पहले जो मैं टारगेट देने वाला हूँ, ठीक है, इन टारगेट को ध्यान में रखते हो आप अभी बाय करेंगे, ठीक है। तो आपको लगता है क्वार्टर रिजल्ट से पहले इसमें वो मूवमेंट देखने को मिल जाएगा आपको, जिस तरह से आज इसमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो सुजलॉन की वेबसाइट है, तो सुजलॉन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि काफ़ी लोग सुजलॉन को लेके पहले ही काफ़ी लोगों ने बहुत सारी होल्डिंग कर रखी है सुजलॉन के अंदर। और अब अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर होल्डिंग के अंदर और लॉन्ग पर्पस से रखेंगे, तो इसमें लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न मिलेंगे आपको। बाकी आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो, इसमें प्रॉफिट बुक करके भी अपना कैपिटल को सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए, सुजलॉन का मैंने गूगल पर ओपन कर लिया। आज सुजलॉन 1.5% 2% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो सुजलॉन के अंदर क्या चल रहा है, आज ये ओपन होता है 7.15 का, हाई मारता 7.40 का, लो मारता 7.10 का। इसका 52 हाई है 9.45 का, 52 लो है 2.90 का, ठीक है। ओवर मोटा व्यू है ये। बाकी मैं कंपनी के बारे में पूरा नहीं समझाऊँ, क्योंकि इसके चार्ट पे जो ब्रेकआउट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही बात करने वाले आज हम। तो ये देखिए, इसकी जो इन्फॉर्मेशन एक न्यूज़ है भैया, इनकी जो 3 तारीख को न्यूज़ अपडेट हुई थी, तो रिजल्ट आना है इनका 12 तारीख को फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। 12 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है, फ्राइडे वाले दिन इनका Q2 का रिजल्ट आने वाला है। ये पूरा लेटर इनका आ गया है कंपनी की तरफ से, 3 तारीख को BSE के साइट पर अपलोड हो चुका था। तो आज इसमें मूवमेंट बना था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को सही समय पर सब बैंक की कॉल देना जरूरी है इसके अंदर। तो सही समय हम पे सब बाय करेंगे, तो डेफिनेटली इसमें और भी अच्छे ट्रेंड देखने को मिलेंगे आपको। तो अब देखिए NSE के साइड पर सुजलॉन के अंदर कितनी डिलीवरी उठाई जा रही है अभी तक, इसने 12 बजे तक इसके अंदर कितनी डिलीवरी उठाई गई है, 57% इसमें डिलीवरी उठाई गई है अभी तक, इसलिए इसमें तेज़ी का मूवमेंट देखने को मिल रहा है आपको। अब देखते हैं इसके अंदर क्या चल रहा है चार्ट के अंदर। तो ये देखिए, इसका डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट पे क्या चल रहा है इसके अंदर समझ लेता थोड़ा सा। ये देखिए डेली चार्ट पे ना, ये देखिए क्रॉस मूविंग पे ब्रेकआउट आने को तैयार बैठा हुआ, यानी कि 100 डेज के एवरेज मूव पर ब्रेकआउट आने वाला है। 100 डेज के एवरेज मूव पर जैसे ब्रेकआउट मारेगा, तो हमें जो इसके अंदर स्टॉप लॉस लेके चलना है, वो स्टॉप लॉस लेके चलना है आपको। 7 रुपये का स्टॉप लॉस से बाय करिए आप, ठीक है, या 7 रुपये के स्टॉप लॉस से बाय करिए आप। 7 रुपये के स्टॉप लॉस से आप बाय करेंगे तो डेफिनेटली इसमें जो पहला टारगेट है, मेरा पहला टारगेट है 7.5 रुपये का, क्योंकि ये कैंडल जो फॉर्मेंट हो रही है, ये कैंडल यहाँ तक की होगी। 7 रुपये के इस कैंडल पे सपोर्ट लेके चल रहा है, इसी कैंडल से ये देखिए, इसी सेम कैंडल पे ये जहाँ से इस कैंडल बनी थी उस कैंडल से ही सपोर्ट लेके पूरा चल रहा है। तो ये कैंडल जो खत्म हो रही है, वो खत्म हो रही है 7.5 रुपये पे। पहला 7 रुपये का, दूसरा टारगेट मेरा 8 रुपये का, क्योंकि जब ये कैंडल खत्म होगा तो इस कैंडल पर सपोर्ट लेगा ये। तो दूसरा आएगा मेरा 8 रुपये का, क्योंकि अपना 52 हाई आज ये कल 2-3-4 दिन में तोड़ देगा ये 52 हाई इसका। 9 रुपये 45 पैसे का 9 रुपये का थर्ड टारगेट है मेरा। ये देखिए इसका ब्रेकआउट आ रहा है यहाँ पे, ये 100 डेज के एवरेज मूव को ब्रेक करेगा, तो आज इन्वर्टेड हैमर बुलिश कैंडल ट्रेड हो रही है आज की डेट में। तो ये जो इसका, ये देखिए VWAP भी अब ट्रेंडिंग की तरफ आ चुका है, MACD पे ब्रेकआउट आ रहा है, RSI 50 के अबव हो चुकी है, तो डेफिनेटली इसमें अच्छे संकेत है इसमें बाइंग करने का। तो आप इसमें 7 रुपये के स्टॉप लॉस से आप इसे बाय करिए, ठीक है। 7 रुपये के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे तो डेफिनेटली इसमें पहला टारगेट जो है मेरा 7.5 का, दूसरा टारगेट 8 रुपये का, तीसरा टारगेट 9 रुपये का, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट से पहले इसका मूवमेंट बनेगा। रिजल्ट के बाद इसमें देखते हैं कि इसका Q2 रिजल्ट अच्छा है, तो इसमें आपको 10 से 12 रुपये तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस शेयर के अंदर काफ़ी लोग काफ़ी होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं और शेयर के अंदर मूवमेंट अच्छा बन रहा है। देखिए हैवी वॉल्यूम के साथ आज बाइंग चल रही है, 57% इसमें बाइंग हो चुकी है आज। तो ये डेली चार्ट से ब्रेकआउट आ रहा है, ये 100 डेज के एवरेज मूव क्रॉस करने वाला है आज के दिन में ही। अगर ये आज 40 पे क्लोज होता है, 740 पे, तो डेफिनेट इसमें एवरेज मूव क्रॉस कर देगा, तो कल इसमें आपको 8 रुपये तक के लेवल आसानी से दिख सकते हैं इसके अंदर। तो पहला टारगेट 7.5 का, दूसरा टारगेट 8 रुपये, तीसरा टारगेट 9 रुपये का, 3 टारगेट लिए बाय करिए, पैसे साथ होल्ड करिए। ये देखिए वीकली चार्ट पे थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके अंदर। देखिए वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट आ चुका है,
यानी कि आज जो वीकली चार्ट पे कैंडल बन रही है, देखिए RSI MACD पे ब्रेकआउट आ चुका है, तो ये देखिए एवरेज मूव क्रॉस कर चुका है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है आज के दिन पे, तो डेफिनेटली से बाय करिए, पेशेंस बने रहिए। आई होप ये वीडियो आपकी यूज़फुल, वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।